उदयपुर न्यूज चारकदिया गांव में मौजूद है, जहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सभा आयोजित होने जा रही है। और यहां पर रालोपा से कुछ समर्थक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार वो क्या फील कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नटवरलाल मीनारिया। नटवरलाल जी, क्या लग रहा है इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपनी जड़ें यहाँ पर जमा पाएगी? बिल्कुल जमा पाएगी और हम उनके साथ है और हम जमवाएंगे उनकी जड़ें। उदयलाल जी पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या सोचकर वोट देने वाले हैं? आपको लोगों आप लोगों से मिल रहे हैं, समर्थन उनसे मांग रहे हैं, क्या लग रहा है लोगों का रुझान? वो काफ़ी समय से हमारे साथ घुले मिले हुए हैं, वल्लभ नगर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के साथ में। वो हमारे जैसे परिवार के सदस्य वो वैसे रह चुके और काफ़ी समाजसेवी हैं वो, इसलिए हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम बीजेपी के कट्टर बीजेपी के थे हम, फिर भी हम इस बार उदयलाल जी और आरएलपी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या समस्याएं हैं यहाँ क्षेत्र की? आप घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, क्या क्या नज़र आया यहाँ पे? मैम वैसे तो देखा जाए तो हमारे यहाँ पे ना तो सड़कें सही है, ना हमारे यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था सही है और ना ही हमारे यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था सही है। प्लस सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देखा जाए तो वल्लभ नगर विधानसभा के अंदर है। प्रीति शक्तावत जो है वो इस बार संपत्ति वोट ले जाएंगी। बात करें रणधीर सिंह जी की तो वो भी काफ़ी कद्दावर यहाँ पर नेता रहे हैं, पहले वो भी रह चुके हैं। क्या लग रहा है किस चारों जो पार्टियां हैं कड़ी टक्कर है, आप क्या मान रहे हैं? नहीं मैडम, टक्कर तो उदयलाल जी के कोई है ही नहीं है, उदयलाल जी के अलावा कोई टक्कर में नहीं है, जीतेंगे उदयलाल जी और विकास भी वही करवाएंगे। लोगों से मिले, क्या क्या समस्याएं नजर आई? समस्या तो बहुत है मैडम यहाँ पे, क्या है कि 70 साल से हम वोट देते आ रहे हैं इनको, कुछ विकास नहीं है। हमारे गाँव में कीचड़ है पूरे तरह से, स्कूल भी नहीं है, टीचर भी नहीं है स्कूल में, अंदर कुछ नहीं है, व्यवस्था सब बिगड़ी हुई है। सर बताएं क्या इस बार क्या लग रहा है आपको, रालोपा अपनी जड़ें मेवाड़ में जमा पाएगी? इस बार 70 साल से जो महलों की राजनीति है, 70 साल से जो महलों की राजनीति है वो खेत और खलिहान में आने वाली है। और ये परंपरागत जो महलों की राजनीति की जो परंपरागत जो सत्ता है, इसका परिवर्तन जरूर होगा। और ये 30 तारीख को, ये अभी थोड़ी देर में जब ये सभा एक बड़ा रूप लेगी, एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा इस मेवाड़ की, शिवरों की धरती मेवाड़ की, इस बल्लभ नगर के इस जनता ने एक परिवर्तन की लहर फूंक दी गई है, एक नई इतिहास लिखा जाएगा बल्लभ नगर की जनता ने, बल्लभ नगर की इस मेवाड़ के शूरवीरों की धरती से एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा जिसकी लौ दिल्ली तक जाएगी। चार पार्टियों में कड़ी टक्कर है इस बार, चारों ही बहुत दमदार दावेदार यहाँ पर है, क्या लग रहा है? नहीं कोई टक्कर नहीं है यहाँ पर, चार पार्टियाँ कुछ भी नहीं है। जो अभी इस टाइम गरीब जनता की जिसने सेवा की कोरोना महाकाल के अंदर, वो उदयलाल जी डांगी ने की है। और जो कि एक अभी यहाँ से जो टिकट मिला है बीजेपी से, उसको लोग जानते नहीं यहाँ पे, वो टिकट दे दिया। और यहाँ 2 साल से जो मेहनत कर रहा है बीजेपी में, अभी जो मेहनत कर रहे थे उदयलाल जी डांगी, उनको भुला दिया। और जो ये राजा महाराजों की सत्ता चल रही है, जो यहाँ पे अदर जाते हैं उनका कोई वो लेसन नहीं है। इन लोगों को अभी भी हम यहाँ पर, हम लोगों को पिछड़ा बन कर रखा है, हमें पीने का फ्लोराइड पानी मिल रहा है, हमारे यहाँ पर रोड नहीं है, हमारे यहाँ पर बच्चे बच्ची हैं उनके पढ़ने की स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है, और बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे हम काम धंधे के लिए परेशान हैं, हम अपने बच्चों को पालें या हम बच्चों को पढ़ाएं, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। हम यहाँ से कोई सामान लेने जाते हैं तो यहाँ से हमें सामान ले जाने के लिए हमें 10-15 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो इसलिए बहुत सारी समस्या है। और हम ये कह रहे हैं कि उदयलाल जी की टक्कर में बोल रहे हो आप, हम ये कह रहे हैं कि उदयलाल जी की टक्कर में इस समय कोई नहीं है और उदयलाल जी कम से कम न करते हुए 51,000 वोटों से जीतेंगे। हनुमान बेनीवाल। बताइए क्या लग रहा है? आप एक यूथ है, आप एक युवा हैं, आप क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में, क्या जानते हैं आप? आप सभा में आए हैं, आप समर्थन कर रहे हैं और डेवलपमेंट नहीं जानते, नाम बताइए। मेरा नाम खेमराज सिंह। क्या लग रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कुछ करेगी इस बार? काम करेगी, पूरा काम करेगी और अच्छा तन मन धन से काम करेगी। लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए आप? हाँ, रूबरू तो नहीं है लेकिन अब जब हम जीतेंगे सब विकास करेंगे, काम करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, सब लोगों को आश्वासन दिया है हमने और उस पे खड़े उतरेंगे हम। क्या लग रहा है? सीट जीत रहे हम एकदम 100%, ये लग रहा है हमको तो 100% कन्फर्म है। किसान का बेटा रालोपा तो यहाँ पर पहली बार अपनी जड़े मेवाड़ में जमाने वाली है, हो पाएगा ऐसा? वे लेकिन हमारे क्या है कि नेता का ऐसा ही कर्तव्य है, जो हम जीत के ही जाएंगे यहाँ से। हाँ, क्या लग रहा है? लाखों वोटों से उदयलाल जी जीतेंगे।
पूरी जनता और किसान और टोटल लोग उनके साथ है। चार लोग हैं, चारों ही बहुत टक्कर वाले लोग। दोनों पार्टी की जमानत जब्त होगी, किसान गरीब जाग चुका है। 70 सालों से वो लोग अपने एक ही परिवार में राजनीति चला रहे और जनता जाग चुकी है। उदयलाल जी को आगे लाना चाहती है और लाखों से ज्यादा वोट लाएंगे उदयलाल जी और बहुत भारी बहुमतों से जीतेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे, इतिहास रचा जाएगा वल्लभ नगर के अंदर। पहली बार की राजघराणों से बाहर राजनीति निकलेगी और एक अदर कास्ट के नेता बनेगा और बहुत भारी मतों से विजय होंगे। मैम आज कम से कम 20 साल हो गए हैं, 20 साल के अंदर जो विकास होना था वो कभी हुआ नहीं। पाँच साल के बाद कोई शक्ल नहीं बताता, ना कोई विधायक आता है। हमारी सड़कें, पानी, बिजली और गरीब लोग इतने, मतलब किसान लोग हैं जो इतने दुखी हैं जिसका कोई सुनवाई करने वाला भी नहीं है। ऐसा विधायक आज दिन तक हुआ ही नहीं और अब की बार हम उदयलाल के साथ हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं। एक साल मिलेगा उदयलाल जी को काम करवाने के लिए, यहाँ जो सरकार स्टेट की वो कांग्रेस की है, कैसे कर पाएंगे? कोई बात नहीं, नहीं होगा तो आने वाले समय में विधायक वापिस बनाएंगे, फिर हम विकास मांगेंगे। लेकिन एक साल के लिए अभी वर्तमान में विधायक उन्हीं को बनाएंगे और उदयलाल डांगी कम से कम मेरे अंदाज से 55,000 वोटों से लीड लेके जीतेंगे, यह मेरा वादा है। मेरे हिसाब से तो उदयलाल जी डांगी जीतेंगे क्योंकि दूसरे नेता क्या करते हैं कि अपनी शक्ल नहीं बताते हैं, जीतने के बाद अपनी शक्ल नहीं बताते हैं। उदयलाल जी एक ऐसा आदमी है जो हर वक्त समस्या समाधान करते हैं और खड़े रहते हैं। मेरा नाम कन्हैयालाल मेनारिया है, मैं कलोल से निवासी हूँ, वर्नी पंचायत लगता है और हम उदयलाल जी के सपोर्ट में आए हैं और उदयलाल जी को हम हर दिल से चाहते हैं और दिल से वोट देंगे। मेनारिया साहब, स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो है कांग्रेस की, अच्छा। कैसे काम होगा, रालोपा कैसे ये काम? तो ऐसे करेगा कि जो किसान का बेटा है वो तह दिल से हमारे साथ में है और हम उनके साथ में है और तह दिल से उनको जिताएंगे और हमारे को विश्वास है 100% वोटों से, हजारों करोड़ वोटों से जीतेंगे। कहने में मतलब तो परिवर्तन की लहर इस बार यहाँ पर काफी देखने को मिल रही है, लोग चाह रहे कि अब कुछ परिवर्तन हो और राजनीति जो है वो महलों से निकल कर बाहर आए और जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं उन्हें लाभ मिल सके। क्योंकि यहाँ के लोगों से भी हम मिले, हमने जाना कि किस तरह से पानी की समस्या से वो लोग जूझ रहे हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की जो फैसिलिटीज है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो लोग चाहते हैं कि इस बार कुछ परिवर्तन हो और अभी हमने आपको मिलाया यहाँ उदयलाल डांगी के समर्थकों से, उनसे बात की, वो अपनी जीत के प्रति काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। उदयपुर न्यूज़ आप सभी से अपील करता है कि वोटिंग देने ज़रूर जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें और आपके क्षेत्र के विकास की जो डोर है वो किसके हाथ में जाएगी ये आप पर निर्भर करता है, तो वोट ज़रूर दें, अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।